महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ विराट और प्लेसिस हो गए तो दूसरी तरफ जडेजा और धोनी, और इस कांटे की टक्कर से ठीक पहले फाफ डु प्लेसिस और महेंद्र सिंह धोनी आपस में बैठकर नजर आए। जी हां, सही सुना आपने। बता दें कि मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले डु प्लेसिस ने महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है, तो माही ने उनका करारा जवाब दिया है। अगर आपको भी जानना है इन दोनों ही खिलाड़ियों के जुबानी जंग के बारे में तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से महान खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हो गई। अब प्रशंसकों को विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच जंग देखने को मिलेगी। यहां आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला बुधवार के दिन आरसीबी से होना है और ऐसे में धोनी के सामने उनके शिष्य डु प्लेसिस होंगे, और यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि चेन्नई के सामने डु प्लेसिस किस तरीके से अपना खेल दिखाते हैं, क्योंकि चेन्नई प्लेसिस के दिल के करीब है और ऐसे में यह जंग काफी रोमांचक होने वाली है। आपको बता दें कि इस राइवलरी में दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली की आरसीबी शुरुआत में जीतकर अपने आप कुछ मुकाबले हार चुकी है, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स कुछ मुकाबले हारने के बाद अब जीत की पटरी पर आ चुकी है। ऐसे में विराट और धोनी की जंग बेहद ही हाई वोल्टेज होने की उम्मीद है, और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में ठीक पहले प्लेसिस और धोनी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। पहले डु प्लेसिस चेन्नई और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सनसनीखेज बयान दे चुके हैं, तो उसका करारा जवाब देते हुए माही ने भी उनको करारा जवाब देकर हैरानी में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, डु प्लेसिस ने अपना बयान देते हुए कहा है कि मुझे चेन्नई के खिलाफ मुकाबले का इंतजार था। जो टीम आपके दिल के बेहद करीब होती है उसके खिलाफ खेलने का मजा ही अलग होता है। मुझे लगा था कि साल 2022 के आईपीएल में चेन्नई मुझे बैक करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब उनको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। हमारी टीम चेन्नई के खिलाफ कोई रहम करने वाली नहीं है, और माही भाई के खिलाफ खेलना तो एक अलग ही अनुभव प्राप्त करने जैसा होगा। मुझे पता है कि माही भाई की कप्तानी के आगे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी टीम शानदार है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी टीम का सबसे शानदार खिलाड़ी विराट अब अपनी फॉर्म में आ चुका है और विरोधी टीम को उनसे खौफ खाना चाहिए। दोस्तों, डु प्लेसिस का करारा जवाब देते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बयान में कहा है कि केवल बोलने से कुछ नहीं होता है, वो तो मैदान पर पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। और रही बात बैक करने की, तो टीम के लिए जो भी खिलाड़ी जरूरी होगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रेंचाइजी ये चाहेगी कि उनकी टीम का संतुलन खराब हो। मुझे लगता है कि तभी अपना बेस्ट देना चाहिए सबको, और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमने अब जीत की लय वापसी पा ली है और पूरी कोशिश रहेगी कि अब हम इसे बरकरार रखेंगे। चाहे आरसीबी हो या फिर कोई और टीम, हम किसी भी टीम के खिलाफ कोई ढील बरतने वाले नहीं है। दोस्तों, मुकाबले के ठीक पहले जिस तरीके से डु प्लेसिस और महेंद्र सिंह धोनी ने आपस में जुबानी जंग की है, उससे तो यह मुकाबला अब और भी ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया है। ऐसे में दुनिया भर का कोई भी बल्लेबाज, क्रिकेट प्रशंसक इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स की कांटे की टक्कर में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।